बीते दिनों फॉरबिसगंज के बीजेपी विधायक ने अपने बेटे की शादी में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू होते हुए भी विधायक जी ने अपनी बेटी की शादी में सैकड़ों लोगों को इनवाइट किया और नाइट कर्फ्यू के जो तमाम नियम हैं शादियों को लेकर उसकी धज्जियां उड़ाई। लेकिन नाइट कर्फ्यू के नियम क्या थे और अभी जो नए नियम आए हैं वो क्या कहते हैं, ये आपको जानना होगा, क्योंकि अगर आपके घर में भी शादी है तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि क्या आप नाइट कर्फ्यू के नियम का पालन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके रिपरकशन क्या हैं, क्या हो सकता है आपके खिलाफ, क्या कार्रवाई हो सकती है। तो आपको बता दें कि बीते रविवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बताया था कि बिहार में आज से नाइट कर्फ्यू लागू होना है और नाइट कर्फ्यू में जो शादियां हैं वो शादियां जो होंगी उसमें केवल 100 लोगों को बुलाने की इजाज़त होगी। लेकिन बुधवार देर शाम बिहार सरकार की तरफ से दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत, आमिर सुबहानी, तमाम लोग बैठते हैं और ये फैसला लेते हैं कि बिहार में नाइट कर्फ्यू के जो नियम हैं वो वापस से बदल गए हैं। नाइट कर्फ्यू जो है वो अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नहीं बल्कि अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा। इस दौरान जो शादियां होंगी नाइट कर्फ्यू के दौरान, क्योंकि ये जो नाइट कर्फ्यू के ये नियम हैं वो ये 29 अप्रैल से 15 मई तक लागू रहेंगे, तो 29 अप्रैल से 15 मई के बीच जो शादियां हैं उन शादियों में कितने लोगों को बुलाने की इजाज़त होगी, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़े सवाल का जवाब ये है कि पहले जहां शादियों में 100 लोगों को बुलाने की इजाज़त थी, अब ये घटकर केवल 50 हो गई है। यानी आपके घर में अगर शादी है तो आप केवल 50 लोगों को अपने घर बुला सकते हैं। इसके साथ ही साथ शादी में अगर आप डीजे बुलाने की इच्छा रखते हैं, डीजे बजाने की इच्छा रखते हैं, तो इस इच्छा को मार लीजिए, क्योंकि आप अब तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि आप शादी में डीजे भी नहीं बजा सकते। वहीं एक सवाल ये भी होता है कि बारात जो लगती है हमारे यहाँ वो रात 12 बजे 1 बजे मतलब रात काफ़ी हो जाती है शादियाँ होते होते, लेकिन सरकार ने कहा है कि अब शादियाँ जो हैं वो रात 10 बजे के पहले ही निपटानी होगी। इसके बाद अगर देर होती है, इसके बाद अगर कार्यक्रम जारी रहता है, तो सरकार जो है आपके खिलाफ, प्रशासन जो है आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो ये तमाम नियम शादी से जुड़े हैं। अगर आपके घर में शादियाँ हो रही हैं, शादी हो रही है, होने वाली है, तो आपको इन तमाम नियमों का पालन करना है कि जो नए नाइट कर्फ्यू के नियम हैं वो फिलहाल तो यही कहते हैं कि आपको शादी में केवल 50 लोगों को इनवाइट करना है, और इनवाइट करने के साथ ही साथ इस दौरान आपको कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है। यानी आपके यहाँ जो लोग आ रहे हैं, जो शादी में दूल्हे हैं, दुल्हन हैं, जो भी हैं, उनको मास्क प्रॉपर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखते तो इसके आधार पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वहीं श्राद्ध कार्यक्रम का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मतलब दुख की बात है, लेकिन कोरोना काल में लगातार मौतें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो श्राद्ध कार्यक्रम को भी लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। श्राद्ध कार्यक्रम में केवल 20 लोगों को बुलाने की इजाज़त है और इस दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना है। अब नाइट कर्फ्यू के जो आम नियम हैं वो भी आप जाते जाते आपको बता देते हैं कि सुबह 6 बजे तक ये जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू रहेगा, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। दुकानें जो हैं वो शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगी, इसलिए शादी की जो शॉपिंग है वो आपको 4 बजे के पहले ही, शाम 4 बजे के पहले ही निपटानी होगी। इसके साथ ही साथ तमाम जो ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उनके लिए भी नियम है कि केवल 25% लोगों को अपने ऑफिस में बुलाना है। साथ ही साथ शाम 4 बजे सभी कार्यालय बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, खाने की चीज़ें जो हैं, खाने की दुकानें जो हैं, वो रात 9 बजे तक खोलने की इजाज़त है, लेकिन आप होम डिलीवरी मंगा सकते हैं या पिकअप कर सकते हैं खाना, वहाँ बैठकर खाने की इजाज़त नहीं है। इसलिए होटल बुकिंग वगैरह पर भी एक बड़ा संशय है कि क्या होटल बुकिंग इस दौरान हो सकती है। तो ये तमाम नियम जो हैं वो शादी से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपके घर में शादी है तो इन तमाम नियमों को अपने दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और उन लोगों से साझा करें जिनके घर में शादी है, जिनके जहन में तमाम सवाल हैं शादी से जुड़े हुए। मैं थी आपके साथ प्रेरणा और आप देख रहे थे बिहार तक। शुक्रिया।